हेलो किड्स, आई एम योर ऑनलाइन टीचर मिसेस मंजू किना। आज हम व्यंजन ड का लिखित व मौखिक अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम ड से शुरू होने वाले कुछ नए शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। तो बोलिए मेरे साथ, ड से डमरू बाजे डम डम, जिस पर नाचे बंदर चम चम चम। ड से डमरू बाजे डम डम, जिस पर नाचे बंदर चम चम चम। तो बोलिए मेरे साथ, ड, ड से डमरू, ड से डमरू, ड, ड से डाकिया, ड से डाकिया, ड, ड से डलिया, ड से डलिया, ड, ड से डाल, ड से डाल। अब हम ड से शुरू होने वाले कुछ मौखिक प्रश्नों के बारे में भी पढ़ेंगे। डमरू बजाने पर कौन नाचता है? डमरू बजाने पर कौन नाचता है? बंदर और भालू, बंदर और भालू। डाकिया क्या काम करता है? डाकिया पत्र लाता है, डाकिया पत्र लाता है। डलिया में क्या है? फूल, डलिया में क्या है? फूल। डाल पर कौन बैठा है? तोता, डाल पर कौन बैठा है? तोता। अब हम ड का लिखित अभ्यास करेंगे। ड को लिखने के लिए मैं आपको तीन डॉट दूंगी, एक दो तीन चार, सॉरी चार डॉट देगी मैम आपको ड को बनाने के लिए। ओके, तो सबसे पहले आप इस डॉट पर पेंसिल रखेंगे और एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, फिर हाफ कर लेफ्ट साइड में, फिर हाफ कर राइट साइड में और बॉटम लाइन से इसको टच कर दीजिए। ड, ड से डमरू, ड से डमरू। एक बार दोबारा से देखिए, सबसे पहले हम एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, हाफ कर लेफ्ट साइड में, हाफ कर राइट साइड में और बॉटम लाइन से इसको टच कर दीजिए। ड से डमरू, ड से डमरू। इस प्रकार हम ड का लिखित अभ्यास करेंगे।